हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 जो कि है कंबशन एंड फ्लेम्स। तो लेट्स स्टडी। हमने बहुत सारे फ्यूल, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल्स हमारे मतलब अलग अलग काम आते हैं, जैसे घर चलाने में, मतलब घर में काम आते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, और ऑटोमोबाइल्स रन करने में हेल्प आते हैं। तो क्या आपको कैसे कुछ फ्यूल्स पता है जो हमारे घर, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग और ऑटोमोबाइल रन करने में यूजेस आते हो? आपको कुछ नाम पता है उनके? तो ये सारे जो आपके लिस्ट है वो कंट्रोल करेगी, मतलब कंटेन करेगी फ्यूल्स जैसे काउडंग, वुड, कोल का चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस, नेचुरल गैस जिसे हम CNG बोलते हैं, और भी बहुत सारे गैसेस, मतलब और भी बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं जो हमारे यूजेस में आते हैं और नेम होते हैं उनके। तो हमें हमें जैसे हम पता है कि जो बर्निंग कैंडल कैसे बर्न होता है, क्या आपको पता है कि जो डिफरेंस बिटवीन कैंडल जब जलता है उसका बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ऑफ कैंडल बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल विथ कोल, लाइक कोल, जिसे जिसे हमें पता है कि जो कैंडल होता है वो एक फ्लेम के साथ जलता है, वेरस जो कोल होता है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता है। सिमिलरली जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं वो अपने मतलब कभी कभी वो बिना फ्लेम के भी जलते हैं। और हमें इस आगे पढ़ेंगे कि जो केमिकल प्रोसेस है बर्निंग की और फ्लेम के टाइम्स पढ़ेंगे जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अब पहले उससे पहले हम जानते हैं कि कंबशन क्या होता है। तो आपको तो क्लास 7th वाली मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी याद ही होगी। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट फॉर्म होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सिमिलरली हमें एक एक्टिव मतलब एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, बट ये एक्टिविटी जैसे लेबोरेटरी में परफॉर्म करने वाले हैं, तो आप ये एक्टिविटी अपने टीचर या अपने कोई असिस्टेंट मतलब लेबोरेटरी की असिस्टेंट है या अपने पेरेंट्स के हेल्प से ही पेरेंट्स के साथ ही करें। तो हमें एक चारकोल का पीस लेना, और वो पीस को हमें टोंग्स के साथ, एक पैर आता है टोंग्स का, मैं पिक्चर दिखाऊंगी उसका, तो वो टोंग्स के साथ पकड़ लेना है और आपको कैंडल के फ्लेम के पास लाना है। या तो कैंडल का फ्लेम ना हो तो बर्नसन बर्नर जो होता है वो हर लेबोरेटरी में होता है, आपको देखने मिल सकता है यहाँ पे। तो चारकोल जब हवा में होगा, जब चारकोल बर्न हो रहा होगा हवा में, तो हमें पता है कि जो कोल है ये भी बर्न होगा हवा में, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, ठीक है ना, ये सब प्रोड्यूस करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, तो ये पिक्चर है, तो दिस इज अ बर्नसन बर्नर और दिस इज अ टोंग्स, मतलब पैर है वो टोंग्स के, और ये क्या हो रहा है? फ्लेम चल रहा है, और है ना, ये मैग्नीशियम रिबन। और फिर जो केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ हीट देने के लिए, तो उसे बोलेंगे कंबशन, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। जो सब्सटेंस अंडरगोज जाता है कंबशन के साथ, मतलब कंबशन जिसे बोला जाता है, हम कंबस्टाइल बोलते हैं उसे, तो इसे हम फ्यूल भी बोलते हैं। और जो ये फ्यूल है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसेस भी, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। समटाइम्स जो लाइट होता है वो भी एक कंबशन के टाइप में गिवन ऑफ किया जाता है, जो जिसे वो आइदर जो है फ्लेम है या कोई ग्लो के टाइप में हो सकता है। इस रिएक्शंस में जो है ये जो मैग्नीशियम है और चारकोल है ये कंबस्टाइल सब्सटेंसेस हैं। तो हमें पता है कि जो फूड है एक फ्यूल है हमारी बॉडी में, जैसे पहली मतलब भोजो बोल रहा है कि हमें बोला गया था कि जो खाना है हमारी फ्यूल है एक बॉडी में, तो पहली बोल रही है येस, राइटली सो, ये सही है कि जो हमारी बॉडी है एक ब्रोकन डाउन रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ और हीट जिसमें प्रोड्यूस किया जाती है, हमने क्लास 7 में पढ़ लिया है पहले से ही, ठीक है ना। तो इस मतलब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको बताना है कंबस्टाइल और नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और अभी हम पढ़ते हैं इसके आगे का। तो क्या आपको कुछ कंबस्टाइल सब्सटेंसेस के नाम आते हैं, मतलब जो अभी मैंने आपको बोले कि कोई कंबस्टाइल सब्सटेंसेस है उसके नाम आते हैं? अगर नाम आते हैं तो मैं ये टेबल में आपको बताना है। उसके आगे हम जानते हैं कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो सन है वो अपनी खुद की हीट है, लाइट है, वो प्रोड्यूस करता है, तो क्या ये भी एक
कंबशन के ही टाइप में आया या कोई उसका ही काइंड है। तो जो सन है वो उसकी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 9th-10th में पढ़ोगे आप ये, जो जो सन है वो खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्शन से, है ना। पर इसके आगे का हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, तो एक आदमी है या कोई भी इंसान है, एक इंसान है, तो उससे आग लग गई है ना, उसकी बॉडी में आग चली रही है, तो वो आग बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ती आ रही है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, देखो पहले तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो ऑक्सीजन है और फायर है वो दोनों अपना, अगर ऑक्सीजन और फायर दोनों मिल जाए तो एकदम आग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हमें पहले ऑक्सीजन का जो, ऑक्सीजन तो हवा में मिक्स मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल तो हम काट नहीं सकते कि ऑक्सीजन को हम लोग ख़त्म ही कर देंगे, तो ऐसे तो कर नहीं सकते कि ऑक्सीजन को हम ख़त्म करेंगे, एयर भी ख़त्म नहीं होती है। सो सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमें फायर को बंद करना पड़ेगा। तो फायर कैसे बंद करेंगे, तो हमें एक ब्लैंकेट या कोई कपड़ा होगा तो वो कपड़ा उसके ऊपर ढक देना है, ठीक है ना। क्या होगा फिर, वो कपड़ा जैसे ढक देंगे तो फायर तो बंद ही होगी, बट क्या होगा, बंद कैसे होगी, जो ऑक्सीजन है वो फायर तक पहुंच नहीं पाएगा, तो वो ऑक्सीजन फायर तक पहुंच नहीं पाएगा तो वो फायर ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी और फायर वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है ऐसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं ना। अभी आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस को रिकॉल करना है ना, जो जैसे कोई मैचस्टिक है वो खुद से ही बर्न हो जाती है कि खुद से ही जल जाती है, वो होता कैसे है। तो ऐसा तो होता नहीं कि जो मैचस्टिक खुद से हो जाती है, अगर ऐसा होता तो कहीं पे भी कैसे भी, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे कुछ भी काम चले तो वो जल जाता, कोई भी अपना घर है पूरा वो जल जाता, नहीं ऐसा तो होता नहीं है। जब हम लोग उसे मैच बॉक्स के पास आके रब करते हैं तभी वो जलती है ना। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि जो, जैसे आपने देखा होगा कि जो पीस ऑफ पेपर है वो जल रहा है, तो जो मैस्टिक अगर आप उसके पास लाओ तो क्या जल जाएगा, नहीं ऐसा तो होता नहीं है। जब अगर आपकी जो मैस्टिक है वो आपने रब किया और फिर पेपर के पास डाले तो कैसे पेपर जल सकता है, बट जैसे अगर आप ऐसे तो जल नहीं आएगा कि आप लाए मैस्टिक बिना जलाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। पहले आपको उसे रब करना पड़ेगा मैच बॉक्स पे, फिर पेपर के पास लाओगे एंड फिर जल जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो वुड का पीस है वो जल सकता है क्या, तो जब हम पेपर को या केरोसिन को वुड पे या कोल पे लगा रहे तभी फायर स्टार्ट होती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मतलब जैसे ऐसे भी होता है वुड या कोल में, बट उसको बहुत सारा टाइम लगता है, तो अगर हम केरोसिन ऑयल को या पेपर को लगाएंगे तो एकदम फास्ट से हो जाएगा, ऐसा कहना है। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, कि आपने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है। तो फॉरेस्ट फायर मतलब जैसे जब भी एकदम 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 कड़क धूप में, कड़क समर के सीजन में, जब जो प्लेसेस में ड्राई ग्रास और ड्राई लीव्स जो होती है, तो वो ड्राई लीव्स जो है या ड्राई ग्रासेस है वो कैच कर लेते हैं फायर, मतलब सनलाइट जो होती है उस सनलाइट को कैच कर लेते हैं एंड फिर वो पूरे मतलब सारे ग्रासेस ट्रीज फॉरेस्ट में फैल जाता है, और सून जो है ये फॉरेस्ट पूरा जो है कंट्रोल से बाहर आ जाता है, और ये मतलब हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होती है, मतलब जो भी फायर कंट्रोल करते हैं तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती है आग मिटाने में, और बहुत मतलब बहुत बड़े फॉरेस्ट होते हैं तो बहुत बड़ा आग लग जाता है एंड पूरा फॉरेस्ट जो है वो नष्ट फर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या आपको पता है कि जो ये एक्सपीरियंसेस है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है, ये जो फायर कैच करती है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं, तो इसी को मतलब बोलेंगे, जैसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस फायर कैच करता है उसे बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर, मतलब द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन। तो आप बता सकते हैं कि जो मैचस्टिक्स है वो खुद से फायर क्यों नहीं कैच कर सकती उसके रूम टेम्परेचर पे, और क्यों कैच नहीं करती, मतलब जो जब हम लोग मैचस्टिक पे मतलब मैच बॉक्स पे रब करते हैं तभी वो क्यों मैचस्टिक चलती है। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है, देखो क्या होता था हिस्ट्री में, जो मैचस्टिक की हिस्ट्री है उसमें क्या था कि जो बहुत साल पुराने जो थे
मोर देन 5 साल से भी पुराने, 5 साल नहीं 5,000 साल, 5,000 साल पुराने जो पाइन वुड के जो स्मॉल स्मॉल पीसेस टुकड़े टुकड़े वो डिप किए जाते थे सल्फर में, और ये इसे क्या बनता था, मैचेस बनता था, ठीक है ना, एंशिएंट इजिप्ट में। तो जो मॉडर्न मॉडर्न सेफ्टी थी मैचेस की, वो डेवलप की गई थी दो दो शायद 2,000 साल पहले। तो जो मिक्सचर था एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस, ये और उसमें थोड़ा सा ग्लू, तो ये और उसमें स्टार्च, और ये क्या किया जाता था इसमें जो मैचस्टिक की जो ऐसे था मैचस्टिक, इसके ऊपर जो काला काला होता है वो लगाया जाता था। तो और जो पीछे नीचे होता है ना लकड़ी, वो वाइट कलर की, वो वुड, और उसमें जो भी सूटेबल वुड था वो लगाया जाता था। तो जब भी वो मैचस्टिक रफ सरफेस पे घिसा जाता था, तो जो वाइट सरफेस वाइट फॉस्फरस है वो, तो जो वाइट फॉस्फरस है वो मतलब इतना इग्निशियंट है, तो वो जब ऐसे फ्रिक्शन लगाते हैं तो एकदम जोर से हीट चालू होती है। तो ये इसका जो कम्बन्शन है ये मैच का, तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। हावेवर जो वाइट फॉस्फरस है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और अभी जो है जैसे मैन्युफैक्चरिंग या कभी भी मैचस्टिक में यूज होता था, तो मैचस्टिक जो है एकदम जोर से पूरी इंडस्ट्री या कोई घर को भी आग लगा सकते थे, इतना जो डेंजरस है वाइट फॉस्फरस। तो आज के दिनों में नाउ डेज जो है सेफ्टी के लिए जो मैचेस थे वो सिर्फ मैचेस है, वो सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट जो यही लगाया जाता है, उसमें थोड़ा सा उसके रबिंग सरफेस के लिए थोड़ा सा पाउडर ग्लास लगाया था, और एकदम हल्का से एकदम हल्का रेड फॉस्फरस लगाया था, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। रेड फॉस्फरस इतना डेंजरस नहीं होता जितना वाइट फॉस्फरस डेंजर होता है। तो जब मैच जो मैच मैच जो है उस पे लगाया जाता है, और जब रब किया जाता है तभी जो रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में। तो इमिडिएटली जो है ये रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ, और जो मैचस्टिक है ये प्रोड्यूस करता है इनफ हीट जो इग्नाइट एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड के साथ, और ये स्टार्ट कर देता है कम्बशन। ठीक है, समझ में आया आपको ये हिस्ट्री मैचस्टिक की, क्यों जब मैचस्टिक पे रब करते हैं तभी मैचस्टिक जलती है। तो हमने देखा है कि जो कम्बस्टाइल सब्सटेंस होते हैं वो अपने वो जो फायर है या बर्निंग है ये कैच नहीं कर पाते, मतलब जो उसका जो टेम्परेचर जैसे जैसे लोअर होता है वैसे उसका जो इग्निशन टेम्परेचर बढ़, मतलब जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर लोअर होता है। तो आपने देखा हो क्या, आपने कभी देखा है जो कुकिंग ऑयल होता है वो फायर कैच करता है, जब कुकिंग पैन में फ्राइंग पैन में जब बहुत टाइम तक बर्निंग स्टोव में लगाया होता है, तो ऐसा इसलिए होता है जो कैरोसिन ऑयल या कोई भी वुड है, मतलब जो कैरोसिन ऑयल है या वुड है ये फायर कैच नहीं करते उसके खुद से और उसके रूम टेम्परेचर पे। सो अगर कभी भी जैसे आपने मतलब देखा होगा कि कैरोसिन ऑयल बहुत जल्दी जो होता है फायर कैच करे, तो जो कैरोसिन ऑयल है अगर उसमें थोड़ी सी हीट लग जाए और मतलब थोड़ी सी फायर कैच कर ले, तो मतलब एकदम जो मतलब जैसे थोड़ी सी भी हीट लग जाए तो बहुत जल्दी फायर कैच करता है। बट जो वुड है उसमें थोड़ी सी भी हीट लगे या कुछ भी लगे तो वो इतने जल्दी इट विल नॉट स्टिल द कैच द फायर। और तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन ऑयल का वो वुड से लोअर है। तो हमें क्या इसका कुछ एक स्पेशल केयर करनी चाहिए कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए। तो जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैं वो हमें बताइए कि जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को रीच करते हैं बर्न में। तो ये मतलब इसमें क्या आता है, हमें मतलब अगर आपको कॉशन है कि हमें केयरफुल रहना है और हैंडलिंग बाई वाइल बर्निंग कैंडल और हैंडलिंग कैंडल, तो जो हमें क्या लेना है, 2 पेपर कप्स लेने हैं, उसे फोल्ड करना है पेपर एक शीट ऑफ पेपर में, और आपको 50-50 मतलब एक एक कप में पोर करना है 50 ml वाटर। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हीट द बोथ कप्स सेपरेटली विद द कैंडल, यू हैव टू हीट द बोथ कैंडल्स सेपरेटली विद द कैंडल्स। हियर इज द डायग्राम्स एंड हियर के यू कैन सी इज इसमें वाटर है इसमें वाटर नहीं, इज दिस दिस इज द एम्प्टी एंड दिस इज द फिल्ड विथ वाटर। नाउ नाउ दोनों दोनों पेपर कप्स है और हमें उसे थोड़ा टाइम रखना है। तो
व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप, मतलब जो एम्प्टी पेपर कप है उसमें क्या होगा, तो जो और जो वाटर कप है वो वाटर मतलब जिसमें वाटर डाला हुआ है वो कप में क्या होगा, तो जैसे अगर हम हीटिंग चालू रखें तो इवन वो कप पेपर कप है बट जो वाटर है वो उसमें भी बॉयल होगा, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन, इस फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन क्या है? तो जब हीट होती है ना वो सप्लाई की जाती है पेपर कप पे, तो वो ट्रांसफर किया जाता है वाटर पे जो कंडक्शन के साथ, मतलब कंडक्शन पे, तो जो प्रेजेंस है वाटर का वो इग्निशन टेम्परेचर का पेपर जो उस पेपर पे रीच ही नहीं हो रहा है, तो हैंस जो है ये बर्न नहीं होगा, है ना? तो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है इग्निशन टेम्परेचर से और ये इजीली कैच कर सकता है फायर जिस एक फ्लेम के साथ, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल क्या, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, तो क्या आपको पता है कुछ और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ना, यू मस्ट हैव सीन और हर्ड दैट की जो फायर है वो ब्रेक हो जाता है हमारे हाउसेस में, होम्स में, मतलब शॉप्स में, फैक्ट्रीज में। तो आपको कुछ मतलब इसे कुछ एक्सीडेंट या कुछ के बारे में बताया, तो इसके बारे में आप शॉर्ट डेफिनेशन मुझे बताना आपके कमेंट सेक्शन में, कि अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन योर एक्सपीरियंस, और ऑल्सो शेयर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स ऑल्सो, और लेट देम ऑल्सो नो कि ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं भी होती है। तो क्या आपकी जो, अगर आप जो भी सिटी टाउन कहीं पे भी रहते हैं, तो उसमें जो है वहाँ पर एक फायर ब्रिगेड स्टेशन है क्या? तो जो फायर ब्रिगेड स्टेशन जब मतलब जो फायर ब्रिगेड जो अराइव्स होता है, तो क्या होता है इससे, मतलब ये वाटर पोर करता है फायर में, और ये वाटर जो होता है कूल होता है कंबस्टाइल मटेरियल में, तो जो टेम्परेचर है जो लाया जाता है वो उसके बिलो होता है इग्निशन टेम्परेचर, तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है फायर को ज़्यादा फैलने से, इट प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग ना। जो वाटर वेपर है वो भी सराउंड होता है कम्बस्टल मटेरियल के साथ, तो हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो जो ये फायर है ये एक्सटिंग्विश होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, तो क्या आपको कुछ ऐसे इनके रिक्वायरमेंट्स के लिस्ट पता है? तो ये है फ्यूल्स है, एयर्स है, ये एयर मतलब इसलिए होता है ये मतलब सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, और हीट है, हीट इसलिए क्योंकि वो टेम्परेचर को रेज करने के लिए, फ्यू और जो बियॉन्ड होता है फ्यूल तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ना। जो फायर है ये कंट्रोल करा जा सकता है बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द दीज रिक्वायरमेंट्स। जो जॉब है फायर एक्सटिंग्विशर की ये है कि उसे कट ऑफ करना पड़ता है, उसको सप्लाई का जो है सप्लाई है एयर का उसे कट ऑफ करना पड़ता है, और उसको ब्रिंग डाउन करना पड़ता है टेम्परेचर फ्यूल का और दोनों ना। जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर वाटर है जो है वाटर है मतलब जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास उसके मशीन्स हैं वो सब तो होते नहीं है, ज़्यादातर कहीं बाहर होते हैं तो कहीं हो जाता है, तो जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो वाटर है। अगर हम पानी डालेंगे तो पानी से भी बुझ सकते हैं, बट जो वाटर होता है वो एक तभी वर्क करता है जब वो कोई थिंग्स होती है जैसे पेपर हो, वुड हो, या कोई इन चीज़ों पे ही फायर पे वर्क करता है। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है फायर पे, ये वाटर जब कलेक्ट मतलब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये और हार्म कर सकता है आपके और फायर को बढ़ा सकता है। मतलब जो वाटर है कोई भी इलेक्ट्रिकल काम है या कोई वायर्स जल गई या कोई उससे आग लग गई है, तो क्या होता है ना हमें उस पर पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पानी मतलब जो इलेक्ट्रिकल काम होते हैं उस पे वायर्स एंड ऑल पे, तो वो और ख़राब करता है। जो वाटर है वो सूटेबल नहीं है सारे फायर्स पे, इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, ऑयल और पेट्रोल पे भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि और वो और आग बढ़ेगी ना। अगर आपको पता होगा कि आपकी मम्मी को पता होगा, जो भी आपके घर में खाना बनाता है, तो उनको पता होगा कि जब तेल में थोड़ा सा भी एक पानी का छींटा गिरता है, ड्रॉप गिरता है, तो वो कैसे तेल उछल पड़ता है। तो ना जो वाटर है वो ज़्यादा हैवी होता है ऑयल से, तो जो जो ऑयल है वो सिंक करता है, और जो वाटर है वो बर्न कर, ऑयल जो है वो बर्न होता रहता है टॉप पे। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल
पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, COT जो CO2 बोलते हैं जिसे, ये बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। CO2 जो है वो हैवियर होता है ऑक्सीजन से, तो ये ब्लैंकेट से भी कवर कर सकते हैं हम लोग इसको, या जो कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन जो कट कर सकते हैं हम लोग उसे, तो जो फायर है इससे इसी तरीके से कंट्रोल भी की जा सकती है। तो और उसके बाद हम लोग एक एडवांटेज है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि वो जो मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे इतना हार्म नहीं करता, इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता रहता है। तो आपने देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई होता है वो भी स्टोर किया था एक हायर प्रेशर लिक्विड सिलेंडर्स में, जैसे आप जैसे LPG गैस जो होता है वो स्टोर किया जाता है सिलेंडर्स में, जैसे रिलीज़ किया जाता है सिलेंडर में, सिलेंडर से जो CO2 जो है वो एक्सपेंड करता है और एक वॉल्यूम में, और वो कूल डाउन हो जाता है। तो ये हम लोग जो ब्लैंकेट चढ़ा सकते हैं फायर पे, वही नहीं जो ये ब्रिंग डाउन करता है टेम्परेचर का फ्यूल पे, और जो ये इसलिए एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है क्योंकि ये जो अनदर वे है CO2 का रिलीज करने के लिए, बहुत सारे जो ड्राई पाउडर केमिकल्स होते हैं जैसे सोडियम बायो कार्बोनेट जिस बेकिंग सोडा बोलते हैं हम लोग उसे, पोटेशियम बायो कार्बोनेट, ये फायर के पास और केमिकल्स जो भी होते हैं वो ऑफ करते हैं CO2 ना। आपने बहुत सारे आपके स्कूल्स में देखे होंगे, अगर आप स्कूल जाते हो मतलब स्कूल में तो देख के लगे होते होंगे, और ऑफिस में जाते हो ऑफिस में लगे होते हैं, कहीं पे भी जाओगे हॉस्पिटल में देखोगे तो हॉस्पिटल में लगे होंगे, पुलिस स्टेशन में वहीं पे भी लगे होंगे, तो हर जगह पर लगे होते हैं इस तरीके के जो होते हैं आपने देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड गैस होता है एज अ फॉर्म ऑफ CO2। तो ये क्या करते हैं, जैसे आग लगती है और बहुत सारी जगह पर ऐसे टू 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 ऐसे बटन, मतलब जैसे आग का थोड़ा सा भी होता है तो टू टू बटन चालू होता है, जो ऐसे पैर पैर चल जाता है, तो अगर वो ना हो तो ये तो रहता ही, हर जगह पर रहता ही है। सो दिस इज अ मस्ट 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 इन एवरी प्लेसेस, देयर इज एवरी इन एवरी प्लेसेस देयर इज दिस लाइक दिस, ऑफिस में जाओ, कहीं स्कूल जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, पुलिस स्टेशन, हर जगह पे रहेगा ये। जो मोस्ट केसेस में रहता है कि जो एलिमिनेट किया जाता है, इन फॉर इंस्टेंस जो बिल्डिंग जब कैच कर लेती फायर, तो जो होल पूरी बिल्डिंग होती है वो फ्यूल की होती है ना। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो कंबशन के टाइप्स और टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक है ना। तो जब आपको क्या करना है, एक बर्निंग मैचस्टिक को लाना, ये गैस को लाना, गैस का लाइटर आपको गैस स्टोव के पास किचन में, नो यू हैव टू टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अभी आपको ये जो करना है, यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स हेल्प, आपको अकेले नहीं करना, आपके पेरेंट्स या जो भी बड़े हैं आपके घर में उनकी हेल्प से करना है। दिस इज द कॉशन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉशन, यू हैव टू नॉट यू डोंट हैव टू डू इट सिंगल, और अकेले नहीं करना आपको। और ये गैस स्टोव आप खुद भी हैंडल मत करना, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल, आग भी लग सकती है घर पे। तो यस, बहुत सारे घर पे रहता भी नहीं है वो आग बुझाने का, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जो होता है, जो गैस बर्न्स होता है रैपिडली, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। सच कंबशन, इन कुछ कंबशन को बोलेंगे रैपिड कंबशन। तो जो सब्सटेंसेस जैसे फॉस्फरस और जो ये एयर में बर्न होते हैं उनके रूम टेम्परेचर पे, जो इस टाइप के कंबशन को या मटेरियल को सडनली जो बर्स्ट हो जाते हैं फ्लेम्स में विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि रैपिड कंबक्शन और सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। नाउ नेक्स्ट जो है, जो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन है, ये कोल डस्ट से होता है, मतलब रिजल्ट करता है बहुत डिसारियस फायर्स और कोल माइंस में। तो ये जो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट में जो फायर्स लगते हैं, तो इस जो हीट एंड ऑल ऑफ द हीट ऑफ द सन एंड ऑन ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब थंडर आता है तभी भी। हाउएवर जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो जो केयरलेसनेस जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके होते हुए होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कैंप फायर्स होते हैं वो कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश होते हैं बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट और आफ्टर ए पिकनिक। कहीं भी आप जाओ तो आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, कहीं भी आप जाओ, पिकनिक जाओ और एक विजिट जाओ, फॉरेस्ट जाओ, कहीं पे भी जाओ ना। हम जनरली जो फायर वर्क्स करते हैं फेस्टिवल जो में इस दिनों में, तो जो क्रैकर होता है इग्निटेड होता है, और जो सडन रिएक्शन होता है जो प्लेस टेक करता है, ये
हीट के इवोल्यूशन के और लाइट और साउंड के इवोल्यूशन में होता है। तो जो एक लार्ज अमाउंट होता है गैस का, वो फॉर्म क्या आता है, एक रिएक्शन जो उसे लिबरेटेड सच जो रिएक्शन होते हैं उसे हम एक्सप्लोशन बोलते हैं। एक्सप्लोशन जो होता है ये प्लेस ले सकता है, जो प्रेशर होता है वो अप्लाई किया जाता है क्रैकर पे, फायर क्रैकर होता है। अभी हमने जान लिया कम्बक्शन क्या होता है, अभी हम जानेंगे फ्लेम के बारे में। तो आपने एलपीजी फ्लेम तो ऑब्जर्व किया होगा, तो क्या आप बता सकते हो कि उसका फ्लेम का कलर क्या होता है? ना आपको एक कैंडल का कैंडल पर फ्लेम का कलर बताना है, ठीक है ना। यू हैव टू जैसे आपने पढ़ा एक्सपीरियंस किया होगा कि जो क्लास सेवन्थ में जो मैग्नीशियम रिबन था उसका जलने वाला, तो आपने जो है जैसे ये टेबल्स है, जैसे यू हैव टू गिवन हियर टेबल मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, नो दिस इज ऑल्सो आर होमवर्क। जो पहले वाला टेबल दिया मैंने कम्बक्शन वाला, वो भी आपको होमवर्क है, एंड ये वाला भी आपको होमवर्क है। इसमें क्या करना है, आपको कैंडल का फ्लेम फॉर्म करना है, और ये जो है ये जलता है नहीं जलता है, कैसे जो फॉर्म करता है फ्लेम कि नहीं करता फ्लेम फॉर्म, वो आपको बताना है ना। दिस इज द कलर ऑफ कैंडल्स एंड दिस इज द कलर ऑफ किचन स्टोव गैस बोलते हैं जैसे हम, और जो जो फ्लेम्स होते हैं केरोसिन लैम्प्स में, कैंडल्स में, और ये बर्नसन बर्नर में, तो ऐसे होते हैं वो, ठीक है ना। ना अभी हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। नाउ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वेपराइज होते हैं बर्निंग के टाइम पे, वो फ्लेम्स देते हैं। जैसे एग्जांपल केरोसिन ऑयल, मॉल्टन वैक्स, ये राइज होते हैं और विक होते हैं, और इन्हें बोलेंगे वेपराइज्ड। जो ये वेपराइज्ड होते हैं बर्निंग के टाइम पे, और ये क्या करते हैं, फ्लेम फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो चारकोल है ये मतलब अलग साइड पे, जो चारकोल है जो ये वेपराइज नहीं होता क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं करता फ्लेम, ठीक है ना। नाउ व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, जब कैंडल फ्लेम जो होता है वो स्टेडी होता है जब, तो वो जो क्लीन ग्लास प्लेट या स्लाइड कुछ भी हो, तो आपको ल्यूमिनस जोन पे ऐसे फ्लेम रखना है, जैसे फिगर 6.11 में दिखाया जा रहा है ऐसे, और आपको उसे एक पेयर ऑफ टोंग्स के साथ पकड़ना है अबाउट टू 10 seconds, मिनट्स नहीं सेकेंड्स, फिर आपको रिमूव करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो मुझे कमेंट से बताना। तो जो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग है वो फॉर्म किया जाता है ग्लास प्लेट को या स्लाइड, तो वो इंडिकेट करता है डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं ल्यूमिनस जोन में फ्लेम में। आपको एक थिन लॉन्ग कॉपर वायर पकड़ना है जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम अप फॉर अबाउट 30 seconds, आपको ये पकड़ना है 30 seconds फॉर अबाउट 30 seconds, ठीक है। तो यू हैव टू नोटिस द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर, आपको जो कॉपर वायर का पोर्शन है वो नोटिस करना है जो आउटसाइड फ्लेम पे रेड होते जा रहे हैं, रेड हॉट हो रहा है, तो क्या इंडिकेट करेगा, ये नॉन ल्यूमिनस जोन पे जो फ्लेम है ये हाई टेम्परेचर पे है। इन फैक्ट जो पार्ट है फ्लेम का ये हॉटेस्ट पार्ट है। देखो कौन सा हॉटेस्ट पार्ट है, जो बाहर जो ऐसे रेडी टाइप हो रहा है, तो दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम ना, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर जोन ऑफ कम्प्लीट कम्बक्शन, ब्लू होता है जो, और ये इसके थोड़ा सा अंदर का होता है वो मॉडरेट हॉट होता है, उसे हम बोलेंगे मिडल जोन ऑफ पार्शियल कम्बक्शन, जो येलो कलर का होता है, ठीक है। और जो उसके एकदम अंदर वाला होता है उसे हम बोलेंगे एटलीस्ट मतलब प्लीस्ट हॉट, जो एकदम कम होता है, जिसे हम बोलेंगे इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, जो ब्लैक कलर का मतलब जो ये जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ये लीस्ट हॉट होता है, एकदम कम होता है। फिर जो ये है कैंडल का वैक्स है, यू ऑल नो, तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ना जो गोल्ड स्मिथ जो जब ग्लो कर रहा है आउटर मोस्ट जोन पे फ्लेम पे जो विथ अ मेटलिक ग्लो पाइप, तो जो मेटल गोल्ड और सिल्वर क्या, तो ऐसे क्यों जो आउटर मोस्ट जोन है यही क्यों होता है फ्लेम, ठीक है। देखो ये गोल्ड स्मिथ है, ये ग्लो कर रहा है पाइप मेटलिक पाइप से यार। तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ फ्यूल, फ्यूल होता क्या, हमने पढ़ लिया कि कम्बशन
फ्लेम। तो अभी हम जानेंगे फ्यूल्स, जो आप सारी रिकॉल करो जो सोर्सेज है हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल परफरेज, जो मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन, इन सब में यूज आते हैं। जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम बोलेंगे, इन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे फ्यूल्स, जैसे कि चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, सब फ्यूल्स है। जो गुड फ्यूल होते हैं एक रीडिली अवेलेबल होते हैं, इट इज़ जो गुड फ्यूल होते हैं वो चीप होते हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं इजीली एयर में, जो मॉडरेट रेट पे। तो ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत मतलब लार्ज अमाउंट की हीट, और ये इतना अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं लीव करते। नाउ दिस इज अ प्रोबेबली, नाउ देयर इज नो प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एन आइडियल फ्यूल। जब हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल्स करते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर यूज़ के लिए जो फ्यूल्स होता है वो डिफर होता है उनके खुद के कोस्ट्स में ना। कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो चीपर होते हैं, कुछ अलग सेम, ठीक है ना। नाउ अभी हम जानेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। तो जब जैसे सपोज कोई एक वाटर एक क्वांटिटी में बॉयल किया जा रहा है, जिसमें काउडंग, कोल, एलपीजी ऐसे फ्यूल डाले गए, तो जो फ्यूल है वो एक क्या प्रीफर करेगा, आपको एक रीज़न बता रहा है। तो ये जो है यू हैव टू मे टेक यू हैव टू टेक योर हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, और आपको कुछ तीन फ्यूल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किया जाता है सेम अमाउंट में ऑफ हीट। ना जो अमाउंट है हीट एनर्जी का वो प्रोड्यूस किया जाता है कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। तो इसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। ना जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये एक फ्यूल है जो एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट में, जिसे हम बोलेंगे किलो जूल पर यूनिट पर के जी, सॉरी किलो किलो जूल पर के जी, जैसे के जी के जो के जे के जी होते ना वो कैलोरीफिक वैल्यू जो होते हैं कुछ फ्यूल्स जो टेबल 6.4 में दिए गए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स हैं एंड यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हो, तो इसको ये आप एक बार रिकॉल कर लो कि जो काउडंग होता है वो 6000 to 8000 रहता है, वुड जो होता है 700 to 2200 रहता है, कोल जो होता है, एंड यू हैव टू रिकॉल दिस टेबल, यू हैव टू रिकॉल दिस टेबल। देखो ना बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ना जो इंक्रीजिंग फ्यूल होते हैं उससे कंजप्शन जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। फर्स्ट जो है वो कार्बन फ्यूल जो होते हैं जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज करते हैं एक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, और ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं पॉल्यूटेंस जो कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज हमारे बॉडी के अंदर, डिजीज होते हैं जैसे अस्थमा, तो ये कॉज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जैसे जो सेंचुरीज में जो थे जो वुड थे वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए यूज आते थे, बट नाउ इट हैज रिप्लेस बाय कोल और जैसे और भी अलग अलग एलपीजी जैसे फ्यूल जैसे एलपीजी। तो ये रूरल पार्ट्स में जो हमारी कंट्री थे ये वुड यूज़ करते थे बिकॉज वुड जो थे वो इजीली अवेलेबल होते थे और बहुत जो एकदम लो कॉस्ट पे मिलते थे। हाउएवर जो बर्निंग ऑफ वुड जो होता है ये इतना मतलब हमें स्मोक देता है और ये हमारे हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए और ये हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है। ऑल्सो जो ट्रीज होते हैं इतने भी यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं ये प्रोवाइड करते थे, जब जैसे वो वुड होते वो फ्यूल एज ए फ्यूल यूज होते हैं। मोर है वो जो कटिंग होते हैं ट्रीज का ये डिफॉरेस्टेशन करते, और यहाँ हम सब ने पढ़ लिया है जो हमारे हार्मफुल होता है ये सब, तो हमने पढ़ लिया है क्लास 7th में इसके बारे में पहले ही। नाउ नेक्स्ट इज जो इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है इन फ्यूल्स का जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है बिकॉज ये बर्न मतलब ये बर्न करने के लिए कोल, और ये बहुत क्लोज रूम में होता है। जो कार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है एक पर्सन को भी, जो पर्सन सो रहा है उस रूम में तो उसे भी मार सकता है, इट कैन ऑल्सो किल द पर्सन स्लीपिंग इन अ पर्टिकुलर रूम। ना OMG क्या बोल रहे हैं मुझे, ओ सो वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। मतलब हमें इसीलिए ना बुलाता है क्योंकि जब भी कोई रूम बर्न हो मतलब उस रूम में आग लगी हो या कोल फायर लगा हो तो ऐसा इसलिए ना बुलाता है। तो जो कंबक्शन होता है मोस्ट फ्यूल्स का ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में, ये इंक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग।
नाउ नीचे देखो, ग्लोबल वार्मिंग वो होता है जो राइज करता है टेम्परेचर का एटमोसफियर में ऑफ द अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर एटमोसफियर में राइज करता है, और तो ये रिजल्ट करता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे पोलर ग्लेशियर मेल्ट होता है, और जो सी लेवल होता है उसे बढ़ा देता है, राइज कर देता है, और ये कॉज करता है फ्लड्स और बहुत सारे कोस्टल एरियाज जहाँ पे बहुत सारी पानी की हवाएं रहती है तो वहाँ पर भी फ्लड्स आते हैं, जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज रहते हैं वहाँ पे भी परमानेंटली वाटर के अंदर सब मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। जब कोल बर्न हो रहा होता है वो डीजल रिलीज करता है, जो क्या करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग होता है और कोरोसिव गैस होती है। तो मोरेवर जो पेट्रोल होता है वो जो गैशियस ऑक्साइड होता है वो इंजन का वो गिव्स ऑफ करता है, ऑफ नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है सल्फर और नाइट्रोजन का वो डिजॉल्व होता है रेन वाटर में और क्या करता है फॉर्म करता है एसिड, जो कुछ रेन होते हैं उन्हें बोलेंगे अरे एसिड रेन। तो जो ये बहुत हार्मफुल होता है क्रॉप्स बिल्डिंग्स और सॉइल के लिए, तो आपने पढ़ लिया है क्लास 7th में कि एसिड रेन कितना हार्मफुल होता है। और जो यूज होता है डीजल और पेट्रोल का एज अ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीन रिप्लेस बाय सीएनजी, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो जो बिकॉज जो सीएनजी होता है वो प्रोड्यूस करता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, तो सीएनजी होता है जो सीएनजी क्या है एक क्लीनर फ्यूल है, ओके ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।